आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। ये हमारा पहला लेवल चल रहा है और हम हर टॉपिक को बेसिक टू एडवांस करते हैं। तो कल की क्लास में हमने आपको क्लिप बोर्ड के बारे में समझाया था कि क्लिप बोर्ड किस तरह से वर्क करता है, जिसमें हमने आपको बताया था पेज एज ए पिक्चर लिंक। ओके, अब हम बात करते हैं। और आपके एक वीडियो भी शेयर किए थे जो कि आपका पिक्चर लुकअप का था। हेलो, पिक्चर जी लुकअप समझ में आ गया था? वीडियो तो देखा नहीं सर, मैंने मौका मैं आपको मिला देखने के लिए दिया था ना आदिल जी। आप होमवर्क पूरा नहीं। नहीं करते हैं। कल भी आपने होमवर्क पूरा नहीं किया था, आज भी होमवर्क पूरा नहीं किया। मोबाइल पे सिर्फ क्लास को ज्वाइन करने से आप एक्सेल एक्सपर्ट नहीं ना बन जाएंगे। जी सिर्फ सही। क्लास और वीडियो देखने से आप बन जाएंगे तो आप यूट्यूब पे तो लाखों वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके देख के आप बन जाइए। क्लास देख है क्योंकि हम आपके सोच और आपके नॉलेज की अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टास्क देंगे, जिसको आप पूरा करके नॉलेज को गेन करेंगे। और कल जी सही। का पर्पस था कि आज जो टॉपिक आपको कराने जा रहे हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको आधी चीज समझ में आएगी, आधी चीज समझ में नहीं आएगी। अब चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये समझिए कि मेरे पास एक डेटा है, मान लीजिए एक स्कूल, स्कूल का डेटा है। मान लीजिए जैसे मैं अब एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूं, आईपीटी एक्सेल स्कूल। मैं यहाँ पे रोल नंबर डालूंगा और यहाँ पे अब मुझे रोल नंबर हो गया, यहाँ पे एडमिशन डेट आ जाएगा, एडमिशन डेट आ जाएगा एंड बच्चों के नेम आ जाएंगे यहाँ पे, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल आ गया, उसके बाद क्लास, तीस तीस छोड़ दीजिए, नहीं मान लीजिए छोटा सा बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सामने है कि रोल नंबर, किस डेट को एडमिशन हुआ, क्या नेम था, फादर नेम क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या था, एड्रेस क्या था। छोटा सा डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। किस क्लास के लिए एडमिशन, कौन सा सेक्शन है और टाइमिंग मॉर्निंग है या इवनिंग है। ऐसे और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिलहाल हम इतना इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट, एक या दो स्टूडेंट का डेटा बना लेता हूँ। वन, मैं डेट मान लीजिए आज ही एडमिशन हुआ, नेम था पूजा, फादर नेम है अमर, डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1995 या करता हूँ 2001, एड्रेस है DBA दक्षिणपुरी, क्लास है मान लीजिए फिफ्थ, सेक्शन है बी और टाइमिंग है मॉर्निंग। एक और लेक्चर की एडमिशन ले लेता हूँ, आज ही के दिन मैं एडमिशन ले लेता हूँ। इसका नाम है नेहा, पापा का नाम मान लीजिए अजीत है, डेट ऑफ बर्थ 1/10/1999 है, एड्रेस है खानपुर, क्लास
क्लास सेवेंथ के लिए एडमिशन है, सेक्शन ए और टाइमिंग है इवनिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेटा है। तो आप लोगों को इसमें से किस किस को वी लुकअप आता है? मेरे को आता है आपको सर? हाँ। जैसे मैं चाहता हूं रोल नंबर वन के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे इसका एडमिशन डेट पता चल जाए तो वी लुकअप लगा लेंगे। वी लुकअप लिया, वी लुकअप में हमने इसको सेलेक्ट किया और हम चले गए टेबल और हमने यहाँ पे 2,0 कर दिया, हो गया डेट आ गए। उसी तरीके से मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, हम यहाँ पे हम देते हैं 1 और यहाँ पे हम देते हैं रोल नंबर। अब इसमें हर बार मुझे काउंटिंग करना पड़ेगा 3, 4 इस तरह से, तो उससे के लिए हम यहाँ पे 3 की जगह पे मैच लगा देते हैं। ये चीजें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सर काम करते करते ये भी पता होना चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस लाइफ में क्या है, भी बेनिफिट है वरना तो चीजें सीख के क्या हो, चीजें तो एक्सेल हेल्प में पता चल जाती है। मैं सही बोल रहा हूँ ना सर आदिल जी? कि कौन सा टॉपिक क्या है इसके बारे में तो एक्सेल हेल्प में ही पता चल जाता है ना। तो ये हमने मैच और इंडेक्स फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे ऐसा लगा दिया, फादर का स्पेलिंग मिस्टेक है और यहाँ पे हमने इसको कॉपी करके इस सब लोगों पे पेस्ट तो आ गए। तो मैं रोल नंबर 1 डालता हूँ तो रोल नंबर 1 की पूरी डिटेल्स आ जाती है, 2 डालता हूँ तो 2 की डिटेल्स आ जाती है, 1 डालता हूँ तो 1 की डिटेल्स, 2 डालता हूँ तो 2 की डिटेल्स, ऐसे 3, 4 जो भी रोल नंबर डालूंगा उसकी डिटेल्स आ जाएगी। राइट, स्कूल इंचार्ज का कहना है कि मुझे यहाँ पे उनके मैं मर्ज करता हूँ उस स्टूडेंट का पिक्चर भी आना चाहिए एंड आई डोंट वांट टू यूज द वीडियो। समझ में आया? तो यहां पे पिक्चर भी आना चाहिए। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, कैसे? तो मैंने तीसरे शीट में पिक्चर का कॉलम बनाया, राइट? यहां पे आप पिक कर दो पेज, यहां और यहां पे मैं रोल नंबर डालता हूं और मैं चाहता हूं कि जैसे कि एक पिक्चर का एक पिक्चर का सेम प्रोग्राम है, मैं डालता हूं कि रोल नंबर 1 एंड आल्सो रोल नंबर 2 और 3 भी इस तरह से होगा और इसमें उनके पिक्चर में डाल दूंगा। तो पिक्चर मेरे पास फिलहाल तो है नहीं, तो मैं करता हूं कि गूगल पिक्चर से कुछ पिक्चर्स उठा लेता हूं, क्या सही रहेगा ना? इसमें कुछ जन्म ना रहा है। चलिए हम यहां से इसको कॉपी इमेज करते हैं और इस पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट नहीं हुआ? कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इमेज पेस्ट नहीं होगी तो हम जाएंगे किस पे? पेंट पे, और फिर उस इमेज को पेंट पे कॉपी करेंगे और पेंट से वापस यहां पे लेके आए तो आ जाएगा। ठीक है, पिक्चर को साइज में तो लेके आया मैं ताकि एक साइड में फिट हो जाए। पिक्चर को जितने भी स्टूडेंट है उनके पिक्चर को मैं यहां पे रख लूंगा, अब दूसरा भी ले लेता हूं, मान लीजिए इसी को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी इमेज पता, अब पेज पे जाएंगे यहां से कॉपी करेंगे और फिर यहां पे हम दूसरे में पेस्ट कर देंगे, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा। तो आप लोग इसके एक बड़े से बड़े लेवल पर बनाइएगा,
आप लोग सब ध्यान से देखिए, क्योंकि कल इस पे आपको एक अच्छा सा बना के देना है। मैं ऐसे एक डमी दे रहा हूँ, ठीक है आदिल जी? कल मैं कुछ नहीं समझता हूँ, कल मुझे चाहिए तो चाहिए। तो दो पिक्चर हमने डाल दी, और मैं चाहता हूँ कि मैं रोल नंबर यहाँ पे वन करूँ, तो यहाँ पे वन जो है पूजा का पिक्चर आ जाए, टू करूँ तो यहाँ पे नेहा का पिक्चर आ जाए। तो कैसे करें? इसके लिए हम सबसे पहले इस पिक्चर को नहीं, इस पिक्चर के पीछे का जो सेल है ना, जिस सेल में पिक्चर रखा हुआ है, उसको कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने फॉर्म पे, और वही पे यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं। और लिंक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू पिक्चर, पिक्चर की साइज। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पे क्या है, पिक्चर B2 से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। अब इस एड्रेस को मैं अगर मान लीजिए कि B2 है, अगर मैं यहां पे वन कर दिया, तो मुझे पिक्चर पे जाके B2 के जगह पे B1 करना पड़ेगा। B1 तो कोई नहीं था, B1 B2 और B3, माफ कीजिएगा, B3 करना होगा। B2 की जगह पे B3 करना पड़ेगा, यहाँ पे B3, B3 करूंगा तो B3 का पिक्चर आ रहा है, और B1 करूंगा तो B1, B2 करूंगा तो B2 का पिक्चर आ रहा है। मतलब कि रेफरेंस हमारे सामने है, हमें कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे B2 3 एज पर योर रोल नंबर। अब रोल नंबर जरूरी नहीं कि वन तो बी वन होगा, मतलब कि रोल नंबर वन आपके पिक्चर वाले शीट में दूसरे नंबर पे है, समझ गए? और रोल नंबर टू तीसरे नंबर पे है, तो इस रो के अकॉर्डिंग उसको ढूंढते हैं। तो हमें इसका सबसे पहले रेफरेंस बनाना होगा ना। तो हमारे पास फिक्स है कि बी कॉलम में, राइट? फिर मैं यहाँ मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैच क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को ढूंढता है, जैसे वी लुकअप ढूंढता है। देखिए, वी लुकअप डेटा देता है, लेकिन मैच क्या देता है, उसका रो इंडेक्स नंबर आपके सामने दो दे। तो मैंने क्या किया कि इसको आपस में कंबाइन कर दिया, तो क्या हो गया, B2। मतलब कि मैं वन डालूंगा तो टू डालूंगा, अगर टू करूंगा तो B3, जो कि हमें B3 के पिक्चर्स को लेना है। हाँ नया सर, प्रॉब्लम ये है कि जो बीत ये जो है कंबाइन किया है, ये चीजें मैं यहां पे नहीं कर सकता। मैं यहां पे ये नहीं कर सकता कि भाई इसमें इन्वर्टर को लगा दिया और इसके साथ एन परसेंट हमने 3 कर दिया, नहीं एक्सेप्ट करेगा, समझे? दूसरा तरीका निकालता हूं। दूसरा तरीका, सबसे पहले तो जो पिक्चर है दिया हुआ है, ये रेफरेंस ही नहीं है, समझे? मतलब कि सिस्टम इसको ये नहीं समझ रहा है कि पीआईसी सीट के अंदर में आपका B3, ये इसको समझ ही नहीं पा रहा है, इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये समझ रहा है सेल का एक कैरेक्टर है, जैसे कि नेम, जैसे कि आपका नेम है, जैसे आपका फादर नेम है, इस तरह के एक डेटा समझ रहा है। तो इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट के अंदर में अगर मैं इसको रखता हूं, तो ये ढूंढेगा कि क्या इस नाम का कोई है, और ढूंढ के कन्वर्ट करेगा, समझे? लेकिन फिर भी हमारा पिक्चर इस पे किसी भी तरह के फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा, किन लोगों को नेम, डिफाइन नेम के बारे में पता है? डिफाइन नेम के बारे में पता है आप लोगों को? नहीं अच्छा चलिए, डिफाइन नेम के बारे में समझाते हैं। डिफाइन नेम को समझिए, जैसे कि अभी ये क्या है, वन है फॉर्म सीट, सीट फॉर्म का जी। अगर मुझे कहीं पे लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखा जाएगा, सिस्टम लिख देगा या फिर हम लिखेंगे।
जीवन। ये तो बहुत बुरा नाम हो गया ना, तो डिफाइन नेम में जाके हम इसको दे देंगे कि भाई जे। कंप्यूटर इसको जे के नाम से जानता है, सिर्फ जे। मुझे कहीं भी इसको यूज करना होगा सम फॉर्मूले में तो मैं जे दे देंगे, समझे। तो किसी एरिया का शॉर्ट नेम बनाता है, और उसी तरीके से डिफाइन नेम में हम जो है कोई फॉर्मूला भी रख सकते हैं। तो हमने मान लीजिए कि ऐसे 100 के नाम से लिया और हम इसमें फॉर्मूला रख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ए। इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया 3 को, ठीक है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा है कि एक तरह का रेफरेंस है, इसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला में रखना पड़ेगा। तो जो भी फॉर्मूला है हम यहां रखते हैं। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, नहीं है। अच्छा, इनडायरेक्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है। सही हो जाएगा, इनडायरेक्ट ब्रा हो गया ना। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखिए आ गया लोकेशन पे, समझे। तो अब मैं यहां पे 1 देता हूं तो 1 का लोकेशन, 2 देता हूं 2 का लोकेशन कहां पे कैलकुलेट हो रहा है? डिफाइन नेम में, सो नाम के नेम में, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका डिफाइन नेम फॉर्मूला को एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपका पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक जो है डिफाइन नेम को एक्सेप्ट करता है। हमारे पास 1 का पिक्चर आ गया, 2 2 का पिक्चर आ गया, 1 1 का पिक्चर एंड 2 एज ए 3 4 5, जिसका डिटेल आएगा उसका पिक्चर भी आएगा। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? है इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपको डिफाइन नेम के बारे में, डिफाइन नेम के बारे में। उससे पहले जानिए, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे इक्वल A1 लिख दिया तो आप A1 पे ऊपर जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे शो करता है। लेकिन इसी चीज को मैं यहाँ लिख दूँ इनडायरेक्ट में A1, अब शो करेगा? यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे A1 का वैल्यू चाहिए, कहाँ पे? यहाँ पे। अगर मैं इसको इससे लिंक करूं तो वैल्यू तो नहीं दिखाएगा, A1 नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको ए नहीं समझ रहा है कि A1 इट मींस ए रो एंड कॉलम 1, समझे। वैल्यू समझ रहा है, तो ए चीज को समझाने के लिए कि A1 कोई वैल्यू नहीं है, A1 एक डिफरेंस है, इसके लिए हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। इनडायरेक्ट में हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट आपका देखिए 20 दे दिया। इनडायरेक्ट ने बोला, इनडायरेक्ट जो जो फॉर्मूला जो वैल्यू शो करता है उसको बताया कि इसकी जो B6 की जो वैल्यू है वो A1 जो वैल्यू है ABCDE नहीं है, वो एक रेफरेंस है, आप उस रेफरेंस पे जाओ, तो वो रेफरेंस पे चला गया। इनडायरेक्ट फंक्शन यही होता है, ठीक है। तो अब होल कॉन्सेप्ट समझिए क्या है कि हम पेस्ट एज पिक्चर लिंक करेंगे, राइट। तो जैसे कि किसी भी पिक्चर सेल वैल्यू को हम यहाँ पे पिक्चर लिंक में क्रिएट करते हैं तो एक फॉर्मूले के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि हमने आपको बताया। और फॉर्मूले की सीरीज को आप चेंज घटा और बढ़ाएंगे तो आपका रिजल्ट भी घटेगा बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपको देगा, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं ये जो B2 है, ये B2 डायरेक्ट ऑपरेट हो यहां से, क्योंकि मैंने पूरा पाथ यहाँ पे ले लिया एक एड्रेस के फॉर्म में, और जो रोल नंबर इस रोल नंबर के अकॉर्डिंग घटे और बढ़े इसके लिए हमने मैच का फॉर्मूला लगा दिया, और दोनों यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया तो एक एड्रेस बन गया, जो एड्रेस एक पिक्चर में होता है। जैसे कि इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करके ले जाऊं तो यही एड्रेस एक पिक्चर पे होता है।
है। इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि ये जो है किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि आप इस तरह के जो यहाँ कंबाइन किए हो, मैच लगाए हो, ये फॉर्मूला इसमें नहीं चलेगा। किया, हमारे पास एक डिफाइन नेम है। डिफाइन नेम क्या है कि एक एरिया बनाता है, उसमें हम फॉर्मूले वगैरह एक एरिया का शॉर्ट नेम देता है। जैसे एक बड़ा सा एरिया है, वही क्या है उससे आपका फॉर्म शीट के K1 से लेके O14 तक, तो इसका एक छोटा नाम दे सकते हैं। डेटा रेंज, R&D, ABCD, आर कुछ भी दे सकते हैं इसका। तो फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला बार में गया और फॉर्मूला बार में जाके हमने एक नेम डिफाइन किया SHO के नाम से, और उसमें मैंने इनडायरेक्ट फॉर्मूले में दोनों को, जो मैच जो टेक्स्ट था हमारा और जो मैच का रिजल्ट था, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इनडायरेक्ट इस चीज को समझ के रीड करके नेम मैनेजर को दे दिया कि जो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला PIC पिक्चर के सीट नंबर 2 के है, 1 के है, और जैसे जैसे वैल्यू यहाँ चेंज होगी उस तरह से ये अपना रिजल्ट एड्रेस भी चेंज करते रहेगा इनडायरेक्ट। और फिर इसी यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, इसे पिक्चर की जगह पे मैं उस नेम मैनेजर को कॉल कर लूंगा। ठीक है, इससे आपका एक कंप्लीट फॉर्म की तरह बन गया। तो अब जो मैंने कल वीडियो भेजी थी उसको और इस एग्जाम्पल और आज की वीडियो को भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है। उन दोनों को आप रेफरेंस में लीजिए और रेफरेंस में लेके आप जो है एक बड़ा सा फॉर्म बनाइए, 10-20 लोगों का डेटा बनाइए, उस पे ओके सर, पिक्चर के साथ। ठीक फिर अगर समझ में नहीं आती है तो कल हम इस पे और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। है, ओके, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय। बाय।